कैसे आप लोग, स्वागत है आपका एक और BGMI की वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप M4 में सक्सेस स्प्रे कैसे कर सकते हो, वो भी एकदम जीरो रुकेल के साथ, जरा सा भी इधर उधर नहीं होगा इसको, बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा स्प्रे होगा। तो हाँ, आज मैं आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ, यही नहीं 3x हो चाहे 4x हो या 6x हो, कोई सभी स्कोप हो, कोई सभी, तो आज सारे स्कोप चलने वाले हैं और बिल्कुल जीरो रुकेल में आपको स्प्रे करके सिखाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले अपने ट्रेनिंग मोड में। हाँ, आ चुके हम अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में। इसी के साथ सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो जाओ दबा दो उसको, दबा दो, बिल्कुल पेटी बना दो उसकी, और करो वीडियो को लाइक अगर आपको पसंद आई वो वीडियो, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली वीडियो को, स्किप मत करना। तो उठाते हैं सबकी फेवरेट गन M4। तो हमने उठा ली अपनी M4 और थोड़ी एमओ वगैरह भी उठा लेते हैं, तो एमओ वगैरह भी उठा लिया है। तो अब बात आती है भाई, एक्सटेंडेड मैगजीन तो नॉर्मल है तो इसको उठा लेते हैं। तो बात आती है भाई अब सप्रेसर की, कौन सा सप्रेसर लगाए हम, कंपोसिटर लगाए या फिर साइलेंट वाला सप्रेसर लगाए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कंपोसिटर उठाओ यार, सप्रेसर साइलेंट वाला बिल्कुल मत लगाओ, कि उससे ना बहुत ज़्यादा हिलता डुलता है स्कोप। तो ये स्टिक उठा लेते हैं, ये भी नॉर्मल है। तो अब बात आती है कि भाई आपकी ग्रिप की, कि कौन सी ग्रिप आप चला रहे हो वो आप पर ही डिपेंड होती है। तो मैं बताता हूँ आपको, हल ग्रिप उठा लो, ये बेस्ट है M4 के लिए। तो आते हैं अपने स्कोप तरफ, तो हमने वो ले लिया भाई अपना 6S ले लिया, और 6S को 3X में कन्वर्ट कर दो से। जी हाँ, अगर आप इसको बिना कन्वर्ट करी चलाओगे तो बहुत ज़्यादा हिलेगा, देखो कितना ज़्यादा हिल रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा कि अगर आप खड़े होकर सीधा स्प्रे करोगे तो आपका स्प्रे बहुत ही ज़्यादा शेकी शेकी होगा, इधर उधर डुलेगा, कि भाई अगर सीधे खड़े होकर आप स्प्रे करोगे तो भूल जाओ कि आपका स्प्रे होने वाला है। तो मैं सजेस्ट करूँगा या तो बैठकर या प्रोन होकर आप स्प्रे करो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो बैठकर स्प्रे करते एक बार देखो, स्प्रे बिल्कुल भाई लॉक हो चुका है एक बार और। तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि देखो मेरी पोजीशन क्या क्या है, देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ और पीक करके मार रहा हूँ, उससे क्या होगा कि आपका एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा आपको और जीरो रिक्वेल हो जाएगा। एक बार और सक्सेस वही का वही लॉक हो चुका है, अगर आप खड़े होकर मारोगे तो देखो कितना ज़्यादा हिल रहा है। तो हाँ, अगर आप बैठकर करते हो या पीक पकड़ करके करते हो स्प्रे तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो यहाँ पर उठा लेते हैं, एमओ बहुत ख़त्म हो गई है, तो उठा लिया हमने अपनी एमओ। तो बात आती है भाई प्रोन होकर एक बार स्प्रे देखो भाई, क्या ज़बरदस्त स्प्रे होगा। स्प्रे वहीं पर ही लॉक हो चुका है, देखो अगर आप गेम को टाइम ज़्यादा दोगे तो भाई ज़्यादा ही बेस्ट स्प्रे होगा आपका। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई टाइम दो गेम को और आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी सेंसिटिविटी ख़राब हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जाओ जाकर वहाँ से सेंसिटिविटी ठीक कर लो, वीडियो को देख लो वहाँ पर, और लाइक भी कर देना। तो दोबारा से ट्राई करते एक बार और, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर आप बैठ कर करोगे तो बहुत ही बढ़िया स्प्रे होगा, अगर आप खड़े होकर स्प्रे करो तो बहुत ही ज़्यादा बेकार स्प्रे होगा। तो कोई भी ऐसा बंदर नहीं है या कौन सी ऐसी सेंसिटिविटी नहीं है, कोई सी भी ऐसी ग्रिप नहीं है जो आपको खड़े होकर एक अच्छा स्प्रे प्रोवाइड कर देगी। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप बैठ कर या प्रोन होकर बेस्ट है। अगर आपको लगता है प्रोन होकर बंदे को निपटा सकते हो तो प्रोन होकर मारो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बारी आती है हमारे 4X की, तो 4X उठाते हैं और लगाते हैं 4X को।
देख सकते हो आपके भाई, 4x 4x मेरा लॉक हो चुका है वहीं पर ही। अगर अगर मैं खड़ा होकर करूं तो देखो कितनी दिक्कत होने वाली है। देखा कितना ज्यादा हिल चुका है इसको। अगर मैं प्रोन होकर करूं तो बेस्ट होगा। तो एमओ खत्म हो गई। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि भाई प्रोन होकर बंदे को निपटाओ। एक जगह ले लो बढ़िया सी कवर वाली, जहां पर आपको बंदे को पेल कर सीधा कवर में जाओगे तो भाई बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको उससे। देख सकते हो अगर आप बैठकर 4x को भी चलाते हो भाई, एक ही जगह लॉक हो जाएगा। और ध्यान रखना, खड़े होकर स्कोप करोगे तो आपकी पेटी बनवाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। तो अब बारी आती है 3x की, तो 3x भी एक बार ट्राई करते हैं और एमओ वगैरह ले लेते हैं। तो अब आ चुका है हमारे पास 3x। अगर मैं खड़ा होकर 3x चलाऊं तो देखते हैं कितना अच्छा चलता है। इतना भी बेकार नहीं, 3x अब पीक करके चलाते हैं। ये भी इतना अच्छा नहीं चला, अब बैठकर पीक कर चलाते हैं। बिल्कुल लॉक, वहीं पर ही लॉक हो गया है, बेस्ट एकदम। अब प्रोन होकर करते हैं। तो ध्यान रखना, आपको पता चल चुका होगा अगर आप खड़े होकर स्प्रे करते हो तो आपको कैसा एडवांटेज मिलने वाला है। अगर आप करते हो बैठकर या पीक कर तो आपने वीडियो में पता तो लगा ही लिया होगा। तो आप देख लेना कि आपको कैसे करना है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप प्रोन होकर या फिर क्राउच होकर स्प्रे करो। और आप ये ध्यान रखना कि आप कौन सी ग्रिप यूज कर रहे हो, कि ग्रिप का भी बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और साथ ही साथ आपको कंपोजिटर का बहुत सारा एडवांटेज देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो मेरी गन में देख सकते हो कि गन में क्या क्या चीज़ लग रही है। कंपोजिटर लग रहा है, एक हाल ग्रिप लग रही है, और एक एक्सटेंडेड मैगजीन लग रही है, और एक स्टिक लग रही है। अगर तो देख सकते हो कि कैसा स्प्रे कर पा रहा हूँ उससे। बिल्कुल लॉक होया जा रहा है वहीं पे, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लगती है। और सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप जब भी स्प्रे कर रहे हो तो आपका देखना स्कोप सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। देखो एक बार, देखो कितना ऊपर जा रहा है। अगर आपका स्कोप जितना ऊपर जा रहा है उसके हिसाब से आपको फ़ोन नीचे की तरफ डाउन करना होगा। आप ज़ाहिर प्लेयर हो तो भाई फ़ोन को नीचे की तरफ झुकाना होगा, जिससे कि आपका स्प्रे वहीं पर ही लॉक हो जाएगा। अगर आप थंब का यूज़ करते हो तो भाई आपको थोड़ी बहुत दिक्कत पड़ने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ज़ायरो प्लेयर बन ही जाओ, यूज़ करने लगो ज़ायरोस्कोप, और भाई आपको बहुत ही बढ़िया गेम प्ले देखने को मिल सकता है। तो मैं एक बार थंब से ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो थंब से भी बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है, बट मेरे को थंब से आदत नहीं है खेलने की। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई जायरोस्कोप यूज़ करो। मैं खुद जायरोस्कोप यूज़ करता हूँ और एक बड़ा एडवांटेज देखने को मिल जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ही बढ़िया, बस गेम को टाइम दो। और ऐसा तो नहीं होने वाला कि एकदम से आपको गेम अच्छा देखने को मिल जाएगा। खैर आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जाकर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। इसी की तरह मिलते हैं टिप्स एंड ट्रिक की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।